लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है भक्ति किए देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति किए देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ कि देवी सती दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय करती हैं स्वयं के अपमान और अपने महान स्वामी महादेव के प्रति दक्ष के अपशब्द सुनकर उत्तेजित देवी सती अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर देह त्याग कर देती है हाहाकार करते शिवगण कैलाश पर ये समाचार देने पहुंचते हैं अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया भोलेनाथ अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया आंखें खोलो भोलेनाथ आंखें खोलो दक्ष माँ एक ही में माता सत्य
कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है नंदी, हम सब कुछ जानते हैं। महाप्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय। तेरे लिए क्या क्या है प्रभु, कहिए तो एक पल में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में ऋषि मुनि देवताओं तथा संसार को भस्म कर दूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा पाने के लिए मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मेरे लिए कौन सा असंभव कार्य है, आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। महाकाय वीरभद्र, तुम इसी क्षण जाकर ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस करो। आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सैनिको बंदी बना लो इसे।
मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आप भोलेनाथ हैं, क्षमाशील हैं, मुझे निराश न करें शिव शंकर। मेरे पति के अहंकार और अपराध का दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं महेश्वर? ये आप क्या कह रही हैं देवी वीरनी? सत्य कह रही हूँ भोलेनाथ, सत्य। वैधव्य का कष्ट आपसे अज्ञात नहीं, एक स्त्री के लिए इससे अधिक दंड नहीं हो सकता। हम विवश हैं क्योंकि तुम्हारे पति दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है। उस घोर अपराध का दंड मैं क्यों भोगू प्रभु? आप महान शिव भक्त, शिव पार्षद वीरभद्र से कहें कि वो मुझे भी मृत्यु दंड दे। यह संभव है देवी वीरनी। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? स्वामी के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी निम्न है। मुझे स्वयं मृत्यु स्वीकार करने की इच्छा है। आप वीरभद्र को आदेश दें। समय से पूर्व हम किसी के अंत का आदेश नहीं दे सकते। तो आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर उन्हें पुनर्जीवित करें। ये आपकी भक्ति ने वीरनी की प्रार्थना और सती के माँ का आदेश भी है। आप हमारी पूज्य हैं देवी वीरनी, आपके तर्क न्याय सम्मत है, हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। अवश्य वहाँ यज्ञ स्थल पर गए होंगे, वे मेरे पति का निश्चित ही उद्धार करेंगे। प्रजापति दक्ष, आपका यह अजामुख स्वरूप आपके अहंकार का परिणाम है। हे महादेव, मुझ जैसे दुष्ट अभिमानी पर कृपा कर, आपने सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। यदि मैं समय रहते महर्षि दधीची अथवा शक्ति स्वरूपा पुत्री सती का परामर्श मान लेता तो ऐसा अनर्थ कदापि ना होता। मेरा अभिमान अपनी पुत्री की महानता को भी नहीं पहचान पाया। हे महादेव, आप कृपा कर उसे भी जीवित करें। अजामुख दक्ष, इस संसार में सब कुछ इतना सरल और इतना सहज नहीं है। इस यज्ञ भूमि पर जो कुछ भी घटा है उसे इसी ही प्रकार घटना था। आप इसे नियति भी मान सकते हैं। स्वामी, स्वामी। हे
स्वामी। महादेव वास्तव में भोलेनाथ है, भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति पर कृपा करते हुए उसे अजामुख बनाकर जीवन प्रदान किया। देवी सती का देह त्याग भोलेनाथ के लिए अपार दुख का कारण तो था, किंतु स्वयं के दुख को भुलाकर संसार का कल्याण करना ही शिव तत्व का मूल उद्देश्य है। देवी सती की दिव्यात्मा ज्योति पुंज के रूप में भटकती रही। दिव्य ज्योति के अंतःकरण में अनेक प्रश्न थे। दिव्य ज्योति अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए सर्वप्रथम कैलाश पर प्रकट हुई। श्री महागणेश, आज आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी मनोकामना को आपकी लीला के निमित्त क्यों बनना पड़ा? मुझ सती की दिव्य आत्मा आपको पुत्र रूप में देखने के लिए व्यग्र हो रही है। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मेरे चित्त को शांति प्रदान करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। मेरी भटकती आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझ पर कृपा करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, आप तो कृपा सिंधु हैं। मेरी पुकार सुने। मुझे दर्शन दें। मुझ पर कृपा करें महागणेश। मुझ पर कृपा करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। 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 मुझे दर्शन दें। दर्शन दें। श्री महागणेश, दर्शन दें। प्रकट हो श्री महागणेश। मेरे अशांत चित्त को शांत करें। श्री महागणेश, मेरी भटकती आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझ पर कृपा करें। दर्शन दें। श्री महागणेश, दर्शन दें। हे शक्ति स्वरूपनी माता सती, आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मैंने आपको वचन दिया है कि आपके अगले अवतार में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण कर आपके संस्कारों द्वारा अपनी सार्थकता सिद्ध करूंगा। पुत्र श्री महागणेश, आज तुमने अपनी माँ को ही अपनी लीला का निमित्त बना दिया है। माता, ये लीला मेरी रचना है अथवा आपके द्वारा निर्देशित? ये तो ऋषि मुनियों तथा विद्वानों के लिए भी शोध का विषय है। ये समस्त चराचर जगत तुम्हारे संकेत पर प्रकट होकर तुम्हारे संकेत मात्र पर तुम्हें में समा जाता है, इसीलिए लीला तुम्हारी ही है। इस संसार को प्रकट करने वाले तथा सर्वनाश करने वाले मुझ परम देव प्रथम पूज्य महागणेश को जन्म देने का सामर्थ्य रखने वाली माता जगदम्बा, ये लीला भले ही मेरी हो किंतु इसका निर्देश तो आप ही ने दिया था। तुम्हारी बुद्धि प्रखरता के सम्मुख मैं निरुत्तर हुई श्री महागणेश। तो आप मुझे अपने शक्ति स्वरूप के दर्शन से कृतार्थ करें माता। आपके सम्मुख प्रकट होते ही आपके शक्ति स्वरूप के दर्शनों की कामना मेरे मन में जाग उठती है। दर्शन दे माता शक्ति, दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे। अपनी विफलता को शक्ति स्वरूप की तेजस्वी दिव्यता में परिवर्तित कर मुझे दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे।
मां जगदम्बा दर्शन दे, प्रकट हो मां शक्ति प्रकट हो, दर्शन दे जगदम्बा दर्शन दे, प्रकट हो माता शक्ति प्रकट हो, आव्यामी 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 आव्यामी। हे परम पूजनीय श्री महागणेश, तुमने मुझे मेरे मूल रूप का ज्ञान कराकर मेरी व्यग्रता का शमन किया है, मेरे अशांत चित्त को शांति प्रदान की है। श्री महागणेश तुम महान हो, तुम महान हो, श्री गणेश तुम महान हो। ओ शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, मातृ स्वरूप माता जगदम्बा की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। परम देव श्री महागणेश, आपकी दिव्य छवि से प्रेरणा एवं ज्ञान प्राप्त कर मुझे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया, किंतु क्या माता? परम देव, मेरे मन में इस समय प्रश्नों का पर्वत उठ खड़ा हुआ है। आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। माता, किसी भी मन के रहस्य से आप भी अपरिचित नहीं हैं। यदि माता के मन में मुझे पुत्र के रूप में पाने का प्रश्न उठा है, तो पुत्र का मन भी माता के गोद में खेलने को मचल रहा है। तो हे सर्वशक्तिमान, अपनी इच्छा को पूर्ण कर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। हे जगत जननी, क्या आपकी लीला इस समय मुझे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने की आज्ञा देती है? परम देव श्री महागणेश, आपकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा तो सारा संसार करता है। निश्चिंत रहे माता, न तो महागणेश का वचन मिथ्या होगा और न ही माता शक्ति की अभिलाषा अपूर्ण रहेगी। मैं विधि के विधान अनुसार उचित अवसर पर आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण कर अवश्य परम सौभाग्य प्राप्त करूंगा। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा की जय। मातृ स्वरूपा माता जगदम्बा की जय। मैं सत्कर्म का प्रमाण देने वाली भक्ति हूँ। मैं मानव को सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। देवी सती के आत्मदाह की सूचना से क्रोधित शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ को ध्वंस कर दक्ष का वध कर देता है। दक्ष पत्नी देवी वीरणी की प्रार्थना पर भगवान शिव दक्ष को अजामुख बनाकर पुनः जीवन प्रदान करते हैं। ज्योति रूपी उद्विग्न देवी सती श्री महागणेश के दर्शन पाकर शांत होती हैं और श्री महागणेश की प्रार्थना पर उन्हें शक्ति रूप में दर्शन देती हैं। स्वरूपिणी शिवा के आश्रय महादेव शिव, अपने ध्यान को विराम दें, आंखें खोलें स्वामी। स्वामी, सती अवतार में हमने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अन्याय से निराश होकर दक्ष यज्ञ के समय आत्म बलिदान किया, किंतु मेरी आत्मा अपनी अपूर्ण कामना पूर्ति के लिए भटकती रही। परम देव श्री महागणेश से परम ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही मुझे अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान हुआ और हमने पुनः यह दिव्य रूप धारण किया। दक्ष यज्ञ में जो कुछ भी हुआ वो कष्टपूर्ण था। यदि तुम्हारे आत्म बलिदान के पश्चात भी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को दंडित न किया जाता तो यज्ञ और अनुष्ठान जैसे पवित्र कार्य धर्म संस्थापन के स्थान पर अहंकार एवं व्यक्तिगत संतुष्टि के माध्यम बन जाते। अर्थात
शक्ति, तुम्हारे सती अवतार के पिता दक्ष प्रजापति ने उस भव्य यज्ञ का आयोजन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रोत्साहन देने तथा पृथ्वी लोक पर गौरव सुनिश्चित करने के लिए ही किया था। सत्य है स्वामी। परमदेव श्री महागणेश के इस लीला संसार में किसी भी व्यक्ति का धर्म के मूल्य पर व्यक्तिगत स्वार्थ तथा व्यक्तिगत गौरव को प्राप्त करने का दिव्य स्वप्न कदापि पूर्ण नहीं होगा। धर्म और अनुष्ठान का उद्देश्य जन कल्याण, लोक हित तथा जीव मात्र का उद्धार ही हो सकता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं। अर्थात सती स्वरूप में दक्ष यज्ञ के समय मेरा आत्म बलिदान उचित था स्वामी? हाँ देवी शक्ति, दक्ष यज्ञ का ध्वंस करके आपने व्यक्तिगत स्वार्थ संतुष्टि की जन्म ले सकने वाली अनुचित परंपरा का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। इसके पश्चात कोई भी पृथ्वीवासी धर्म के मूल्य पर अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करने के लिए दुस्साहस नहीं करेगा। आपके कल्याणकारी वचनों को सुनकर मेरा चित्त शांत हो गया। अब शिव की शिवा पुनः शिव से ही एकाकार होने की इच्छुक है। तुम्हारे बिना हम अपने आप को अपूर्ण तथा रिक्त अनुभव कर रहे थे। आओ हमारे अस्तित्व में समाकर अपना स्थान ग्रहण करो। प्रणाम माता श्री। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दीपी के पुत्र हो। मैं आप ही का पुत्र हूं माता, आप ही का प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र। किंतु तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे कि हमने कल्पना की थी? अर्थात मैं कुछ समझा नहीं माता। पातालवासी दैत्य नरांतक और देवांतक को देखकर ही हमने तुम्हारी कल्पना की थी, किंतु उनकी जैसा आतंक, अट्टहास, भयानकता और क्रोध कुछ भी तो नहीं है तुम में। श्री गणेशाय नमः। पुत्र जन्म की तुम्हें हार्दिक बधाई देवी दीदी, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। हाँ हाँ दीदी, मेरी ओर से भी आपको अनेकानेक बधाइयां। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी दीदी, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हमने अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना की थी, इसी कारण तुम दानव और मानव की महान संस्कृति के प्रतीक हो। अर्थात? अर्थात इसका मन मानव के समान सौम्य और सदाचारी है, किंतु शरीर दैत्यों के समान कठोर है। पुत्र, देवी अदिति भी तुम्हारे लिए माता के समान है, इन्हें प्रणाम करो। हा? प्रणाम माताश्री। कीर्तिमान भव पुत्र, तुम्हारा शरीर मेरे पुत्र इंद्र के वज्र के समान ही कठोर है, इसी कारण मैं तुम्हें वज्रांग ही कहूंगी। तुम्हें युद्ध में अपने अभेद्य शरीर के कारण कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। अदिति, मेरे पुत्र के कठोर शरीर की तुलना अपने पुत्र इंद्र के वज्र के साथ करके तुमने मेरा अपमान किया है। आशीर्वाद देते समय भी तुम्हारी दुष्टता स्पष्ट है। दीदी,
मैंने तो वज्रांग को युद्ध में अपराजित रहने का आशीर्वाद भी दिया है। दिति पुत्र को किसी के भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तुम इस कारण प्रसन्न हो रही हो ना कि मेरा पुत्र देवांतक और नरांतक की भांति आतंकी और भयानक नहीं है? नहीं दीदी नहीं, तुम अन्यथा सोच रही हो तो अन्यथा ही सुन लो। मेरी महत्वाकांक्षा इसे देवांतक और नरांतक से भी अधिक भयानक बना देगी। हाँ देवी दीदी, तुम्हारी दुर्भावना हर बात को कितना अनुचित रूप दे देती है। इसके उत्तरदायी आप हैं, आप ऋषिवर। आपने अपने पाखंड का परिचय देने के लिए मेरे साथ कितना क्रूर परिहास किया है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी, तुम्हारा पुत्र तो हमारे आराध्य श्री महागणेश की कृपा का प्रमाण है। आयु के कारण आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दिति पुत्र को किसी के भी कृपा की आवश्यकता नहीं है। आप और समस्त देवता दैत्य विरोधी हैं, दैत्यों के साथ पक्षपात करते हैं। तुम क्रोध के कारण अन्यथा सोच रही हो दीदी, क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। शांत हो दीदी, शांत हो देवी। ऋषिवर, मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर दे इससे पूर्व इस कक्ष का त्याग कर दे। जाओ। यदि तू मेरा पुत्र है तो इसी समय मेरे पिता माँ ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दे। किंतु क्यों माता? क्यों पूछकर तू मेरा अपमान ना कर पुत्र। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तू उनसे अमरता और दैत्य शक्ति संपन्न होने का वरदान मांग। उसके पश्चात अदिति पुत्र इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण करके तू उस भीरु इंद्र को स्वर्ग से पतित कर दे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अभी मेरी आज्ञा पूर्ण नहीं हुई है। क्षमा करें माता, दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वर्गाधिपति बनना होगा, स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार करना होगा। जाओ। जो आज्ञा माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ॐ महागणेशाय नमः स्वाहा। ॐ महागणेशाय नमः स्वाहा। ॐ महागणेशाय नमः स्वाहा। ॐ महागणेशाय नमः स्वाहा। साधम, मेरा पुत्र मेरी विध्वंसक महत्वाकांक्षा अवश्य पूर्ण करेगा। दीदी, ये तुम अनुचित कर रही हो। आपने भी मेरे पुत्र के साथ पक्षपात कर उचित नहीं किया। ये तुम्हारा भ्रम है दीदी। मुझे भ्रमित रहने में ही आनंद हो रहा है, क्योंकि भ्रम के कारण ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे अदिति पुत्र इंद्र को पराजित कर मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति बनेगा। मेरे पिता माँ ब्रह्मा जी से वो वरदान अवश्य पाएगा, अवश्य। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम देवर्षि, आपका कल्याण हो देवर्षि। आप इस तपस्यारत व्यक्ति को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? मैं इस तपस्यारत व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं देवराज। फिर किसे देख रहे हैं? यहां तो अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवराज, मैं तो दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या के पीछे छिपी इसकी माँ की महत्वाकांक्षा को देख रहा हूँ। नारायण नारायण। माँ की महत्वाकांक्षा? हाँ देवराज, दिति पुत्र वज्रांग ने अपनी माँ की महत्वाकांक्षा एवं मनोकामना पूर्ति के लिए ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, आप समझे नहीं अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। परिहास न करें देवर्षि, स्पष्ट बताएं वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, स्पष्ट बहुत तीखा है, संभवतः आप उसे सुन ना सके। भूमिका न बनाए देवर्षि, शीघ्र बताएं वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, आपका अहंकार आपके विवेक को नष्ट कर रहा है। आप उत्तेजना में ऋषि मुनियों का अपमान करने से भी भयभीत नहीं होते हैं। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र संसार की कोई बात से भयभीत हो ही नहीं सकते हैं। क्षमा करें देवराज, पातालवासी दैत्य देवांतक ने तो आपको भयभीत कर ही दिया था। नारायण नारायण। किंतु आज मैं पुनः स्वर्गाधिपति हूँ देवांतक। कहाँ गया? सावधान देवराजेंद्र, सावधान। दिति पुत्र वज्रांग ने स्वर्ग पर अधिकार करने की मनोकामना से ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझे आपके कथन पर विश्वास नहीं। भला आपको वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य कैसे ज्ञात हो गया? गंग 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 गंग। देवराज, क्या आपकी मति मारी गई है जो आप मेरे ज्ञान पर शंका कर रहे हैं? मैं तो आपको यही परामर्श दूंगा देवराज कि आप इस समय केवल स्वर्ग सिंहासन की चिंता करें। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। इस रोग का उपचार जानने के लिए मुझे ब्रह्मलोक जाना ही होगा। सृष्टि चक्र को गतिमान बनाए रखने तथा समस्त जीवों को आदर्श जीवन प्रदान करने के लिए अब ये आवश्यक हो गया कि श्री महागणेश सदा की भांति सृष्टि चक्र को स्वयं संचालित करें। परम देव श्री महागणेश ने निश्चय कर लिया कि अब संसार को धन ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और विद्या ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। इस निश्चय को पूर्ण करने के लिए श्री महागणेश ओमकार ध्वनि के साथ आकाश में प्रकट हुए। देव श्री महागणेश, कैलाशपति शिव के शक्ति के समान मैं सृष्टि के रचनाकार श्री ब्रह्मदेव की अभिन्न जीवन संगीनी हूँ।
मेरे अभाव में ब्रह्मन देव की सृष्टि रचना अपूर्ण है। हे जीव मात्र पर कृपा करने वाले परम देव, मुझे मेरा उचित स्थान प्रदान करें। हे महादेवी सरस्वती, आप सारे संसार के लिए माता के समान पूज्य हैं। यहाँ प्रकट होने से पूर्व भी आप अपने समस्त अस्तित्व के साथ ब्रह्मदेव में समाई हुई थीं, किंतु अब संसार आपके प्रत्यक्ष दर्शनों का इच्छुक है। इस कारण आप ब्रह्मा जी के स्वरूप से प्रकट होकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा परमदेव। परम देव श्री महागणेश, मैं सागर कन्या महालक्ष्मी हूँ। आपकी इच्छा मात्र पर सारे संसार को लाभ और वैभव की श्री प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जगत पालक जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की चिर संगनी हूँ। आपकी आज्ञा से मैं वैकुंठवासी श्री विष्णु के चरणों में अपना निवास बनाने की इच्छुक हूँ। हे महादेवी महालक्ष्मी, आप जगत पूज्य हैं। आपकी आराधना तथा कृपा के बिना संसार का कोई भी प्राणी वैभव तथा श्री संपन्न नहीं हो सकता। हम आपकी इच्छा का आदर करते हैं। आप वैकुंठ जाकर अपना योग्य स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा परमदेव। समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।